वेलकम स्टूडेंट्स, आज बिजनेस स्टडीज के सेकंड वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और सेकंड वीडियो को मैंने सेकंड चैप्टर से लिया है क्योंकि इस दौरान जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको ही मैं कवर कर रहा हूं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको आसानी से समझ में आए। तो सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे मैनेजमेंट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर अपने अनुभव को लिखा है और वो एक प्रिंसिपल्स के रूप में हम लोग के आज काम आते हैं। इसी क्रम में आपके बिजनेस स्टडीज चैप्टर्स में दो मैनेजमेंट हैं जिनका स्टडी हम लोग को करना है। फर्स्ट है हेनरी फॉल्स एंड सेकंड इज एफ डब्ल्यू टेलर। हेनरी फॉल्स, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने अपना मैनेजमेंट किया उसको उन्होंने जब एक पुस्तक के रूप में लिखा वो काफी फेमस हुआ और आज के डेट में उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी फॉल्स साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, तो उस 14 प्रिंसिपल्स को सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके फॉल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आप इस 14 प्रिंसिपल्स को पहले लिख लें, फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको किस एब्रिविएशंस के साथ याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम लोग एक एक को एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो हेनरी फॉल्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये डिवीजन का मतलब समझते हैं बंटवारा कर देना, और वर्क का मीन्स किसी एक पर्टिकुलर वर्क को। एक वर्क के कई जॉब्स होते हैं, ये वर्क है, इनको अलग अलग छोटे छोटे यूनिट के जॉब्स में बांट देना। तो वर्क्स और जॉब्स में अंतर यही है कि जब हम उसका एक पार्ट यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जॉब्स। जैसे क्लासरूम में जो आप डस्टर देखते हैं जिससे बोर्ड को आप मिटाते हैं, तो उसमें कई चीजें होते हैं, एक लकड़ी का, उसके बाद दूसरा फोम होता है। तो अगर उसको बनाने वाले में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाए, एक वर्कर्स है जो सिर्फ उस लकड़ी की कटिंग कर रहा है, दूसरा सिर्फ फोम की कटिंग कर रहा है, तीसरा फोम और लकड़ी को जो डस्टर है उनको चिपका रहा है, चौथा उसकी पैकिंग कर रहा है, पांचवा उसकी कलरिंग कर रहा है, तो एक आदमी के जिम्मे अगर सिर्फ एक जॉब छोटा सा है तो उस जॉब में उसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी और जिससे प्रोडक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ये इस प्रिंसिपल को फेवर्स ने यूज किया और उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई बड़े वर्क के तरफ जाएं तो उसको छोटे छोटे यूनिट में बांट दें तो उससे वर्कर की स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा है पैरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मीन्स होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। हम लोग जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ऑथोरिटी जरूरी है। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसी भी काम को करने के लिए तो उससे संबंधित जितने भी ऑथोरिटी हैं, जो भी उनके सामान खरीदने की बात है या जो कुछ भी है, उसको ऑथोरिटी, उस सामान को खरीदने की ऑथोरिटी भी उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग ऑथोरिटी देते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते हैं तो भी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस ऑथोरिटी का या तो मिसयूज करेगा या उसका कोई यूज नहीं करेगा और कोई प्रोडक्टिविटी में अपना योगदान नहीं देगा क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए पावर एंड ऑब्लिगेशन ये किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि उनके बीच में पैरिटी हो, मींस इक्वालिटी हो। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके रेस्पेक्ट में ऑथोरिटी भी देनी होगी और जितनी ऑथोरिटी उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। अगर हम एक पुलिसमैन को गन देते हैं तो ये उसकी ऑथोरिटी है कि जहां पर वो उसको उचित समझे वो गन का यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जब वो इसका यूज करेगा तो उसको बाद में ये बतानी पड़ेगी कि ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसके कारण आपने अपने ऑथोरिटी का यूज किया। तो इस प्रकार से ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब इक्वालिटी होगा तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा। थर्ड फेल्स प्रिंसिपल है स्केलर चेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेवल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा हो जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए फेवल ने कहा कि इसके लिए एक स्केलर चेन फॉलो करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ए जो कि टॉप पोजिशन होल्ड करता है, ए जो एक टॉप पोजिशन होल्ड कर रहा है और उसके अंडर में दो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर प्रोडक्शन और काम में लगे हुए हैं। अब यहां पर देखना है कि अगर ए को कोई मैसेज बी को कन्वे करना है तो फेवल ने कहा कि नहीं, ए डायरेक्टली डी को मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, इसके लिए एक चेन फॉलो करना होगा कि ए पहले बी को कम्युनिकेट करे, बी देन सी को कम्युनिकेट करे, सी फिर डी को कम्युनिकेट करेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ, समय तो जरूर लगेगा, लेकिन चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि डी का इमीडिएट बॉस सी है, अगर सी को ओवरलुक किया गया, ए डायरेक्टली वर्क असाइन कर दिया डी को और ये चीज सी को मालूम ही नहीं, तो सी ये समझेगा कि डी कोई काम कर ही नहीं रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में हर इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि वो एक चेन के रूप में आए। इसी प्रकार अगर एफ को कोई मैसेज भेजना है टॉप में, तो एफ डायरेक्टली नहीं भेजेगा, एफ ई को बोलेगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को। तो ये एक सिस्टम है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर होता है। अब आप कहेंगे कि एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में मैसेज कम्युनिकेट करना है तो प्रोसेस वही है। आर को अगर मैसेज डी को देना है तो आर क्यू को देगा, क्यू बी को देगा, क्यू ए को देगा एंड देन ए के थ्रू फिर डी के पास जाएगा। इससे क्या हो गया कि टॉप लेवल पोजीशन को हर इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलते रहती है। लेकिन आप ठीक सोच रहे हैं कि इसमें कभी कभी ऐसी समस्या आ जाएगी कि मैसेज को बहुत जल्दी में कम्युनिकेट करना है, तो वहां पर फेवल ने कहा कि वहां पर एक पोजीशन होल्डर दूसरे पोजीशन होल्डर्स के साथ डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है। उसको फेवल ने कहा जैसे अगर ई को एस से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है। इसको फेवल ने एक नाम दिया गैंग प्लैंक। तो लेकिन फेवल ने कहा कि इमरजेंसी में इसको यूज करना है कि एक दूसरे को हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इसके प्रूफ के लिए फिर ये मैसेज इधर से भी होकर जाएगा इसके पास, इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज करते हैं। तो इस प्रकार एक चेन बनाकर ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए तो सारे इंफॉर्मेशन सही 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 जगह पर पहुंच जाएंगे। फोर्थ वन है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मीन्स होता है यहां पर ऑर्डर, और यूनिटी का मतलब होता है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजर में जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनका सिर्फ ओनली वन बॉस होना चाहिए, यानी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वन मैन वन बॉस। यानी एक सबॉर्डिनेट का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक बॉस के एक ही सबॉर्डिनेट होंगे, एक बॉस के कई सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। यानी यहां पर अगर बॉस है तो उनके कई सबॉर्डिनेट हो सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन ए का इमीडिएट बॉस कौन है, ओ, बी का भी वो है, सी का भी वो है, डी का भी वो है, ए सिर्फ और सिर्फ ओ का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में कोई यू नंबर बॉस है, उसके भी चार सबॉर्डिनेट हैं एम एन ओ पी, तो ए का ए और एम दोनों ही सबॉर्डिनेट है, लेकिन ए का बॉस ओ है
एम का बॉस यू है। इसलिए फेवल ने कहा कि इस कंडीशन में ए को अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है तो वो ओ से आना चाहिए। अगर यू को ए को इंस्ट्रक्शन देना है तो यू डायरेक्टली ए को कोई मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेगा। ऐसा करने से ए को एक साथ दो बॉस हो जाएंगे और ए कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका ऑर्डर फॉलो करे और किसका ना करे। इसलिए अगर यू जो सेकंड बॉस है इनको अगर ए को कोई इंफॉर्मेशन देना है, कोई ऑर्डर देना है, तो यू ओ के माध्यम से ए को ये बात कहेंगे या ऑर्डर दिलवाएंगे। उसी प्रकार ओ डायरेक्टली एम को या एन को या ओ पी को ऑर्डर नहीं दे सकता है। एक सबॉर्डिनेट के एक बॉस होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में काफी मदद मिलती है। अगर हम एक आदमी के कई बॉस हो जाएंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे, वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है ये तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेवल ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि जो कमांड हो, जो ऑर्डर हो, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एक वन मैन वन बॉस। इसके बाद फिफ्थ नंबर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहां पर है इंप्लॉय से। इंप्लॉय के कार्यकाल में अस्थायित्व तो होनी चाहिए, यानी अस्थायित्व का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, टर्नओवर का सेंस यहां पर है कि उसका आना जाना, किसी कारण से आना जाना हो, या तो इंप्लॉय रिजाइन कर रहा हो या उसका फ्रीक्वेंटली आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो पोस्ट पे सेटल रूप में वर्क कर रहा है, जैसे ही उसके ट्रांसफर या प्रमोशन या वो व्यक्ति जॉब छोड़ेगा, कोई दूसरा आएगा, तो फिर उसको सेटअप समझने में थोड़ा समय लगता है और इतना समय आइडियल समय बीत जाता है। इसलिए फेवल ने इस पर बहुत जोर दिया था कि जहां तक संभव हो इंप्लॉय के टेन्योर में, यानी उसके कार्यकाल में अस्थायित्व तो मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है। सिक्स्थ है इक्विटी। इक्विटी का मीन्स यहां पर है इक्वालिटी का सेंस, लेकिन फेवल ने स्पष्ट कहा कि इक्वालिटी का मीनिंग ये नहीं है कि मैनेजर और प्यून को बराबर सैलरी मिलेगी, बराबर फैसिलिटीज मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है कि किसी प्रकार के कास्ट सेक्स के इत्यादि के आधार पर किसी के अंदर भेदभाव ना किया जाए, कहीं कोई पार्शियलिटी ना हो। एक पोजीशन पे जॉब करने वाले का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथोरिटी है, उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, वो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार पनिशमेंट या फिर उसको पुरस्कार देना है तो सेम गलती के लिए जो पनिशमेंट किसी दूसरे को दिया जा रहा है, अगर कोई अन्य उसी गलती को करता है तो पनिशमेंट भी बराबर होने चाहिए और उनका जो रिवार्ड है वो भी बराबर होने चाहिए। तो ये इक्वलिटी से एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय में आपस में काफी यूनिटी बढ़ती है, आपस में उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विद्वेष नहीं रहता है, तो इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। सेवेंथ नंबर प्रिंसिपल में टेलर ने कहा फेयर रिम्यूनरेशन। हम जानते हैं इंप्लॉयज को रिम्यूनरेशन दिया जाता है, लेकिन यहां पर फेवल ने कहा कि फेयर रिम्यूनरेशन। तो व्हाट इज मींस ऑफ फेयर? अब इंप्लॉयर चाहे जितना भी दे दे पैसा अपने इंप्लॉय को, जितना सैलरी दे दे, इंप्लॉय कभी ये नहीं कहेगा कि उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, और इंप्लॉयर कभी ये नहीं कहता कि मैं कम सैलरी देता हूं, वो कहता मैं बहुत ज्यादा सैलरी देता हूं, और इंप्लॉय कहता है कि मुझे सैलरी कम मिलती है। तो इसके बीच में एक फेयर वर्ड यूज किया गया कि जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी, जो पर्क्स किसी इंप्लॉय को मिलता है, कम से कम उतना मिलना चाहिए। लेकिन फेयर ने इसके साथ एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि फेयर रिम्यूनरेशन इट नॉट द बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है ऑर्डर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं ऑर्डर उनको समझ में आता है
ये कमांड का ऑर्डर है, यानी आदेश वाला ऑर्डर है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस ऑर्डर का मतलब आदेश या कमांड बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका जो मीनिंग है वो है ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मीन्स किसी चीज को व्यवस्थित रखने का सिस्टम कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए फेवर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट इज मटेरियल ऑर्डर एंड सेकंड इज सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में फेवर ने कहा कि एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके इक्विपमेंट को रखने का स्थान फिक्स होना चाहिए, हर एक प्रकार के मटेरियल का रखने का स्थान फिक्स होना चाहिए। इससे कोई भी किसी भी मटेरियल और इक्विपमेंट को आसानी से ढूंढ लेगा। जैसे हम लोग अगर अपने घर में बहुत सारे लॉक होते हैं, उनके की होते हैं, या तो उन की को रखने का अगर एक हमारे घर में एक फिक्स प्लेस है, तो कोई भी उसका यूज करता है फिर उसी जगह पर उसको हुक कर देता है, तो कोई भी जब चाहे आसानी से ढूंढ सकता है और उसका यूज कर सकता है। लेकिन अगर की को रखने का स्थान अलग अलग कर दिया जाए, जिसको जहां मर्जी हो वो रख दे, फिर कभी हमको लॉक या अनलॉक करने में काफी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए मटेरियल ऑर्डर में, ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत प्रकार के मटेरियल होते हैं, बहुत प्रकार के टूल्स होते हैं, उनको रखने का स्थान फिक्स होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। सेकंड इज सोशल ऑर्डर, यानी हर एक एम्प्लॉय के बैठने का स्थान फिक्स होना चाहिए। बैठने का स्थान क्यों फिक्स होना चाहिए? इससे किसी भी एम्प्लॉयज को आसानी से उनको ढूंढा जा सकता है, उनके पास मैसेज पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी का बैठने का स्थान फिक्स नहीं हो तो एक एम्प्लॉय को ढूंढने में जो वेस्टेज ऑफ एफर्ट होगा बहुत ज्यादा लगेगा, और मैसेज इमीडिएट कम्युनिकेट करने में भी असुविधा होगी। इसलिए ऑर्डर का सेंस यहां पर यह है, नॉट ए कमांड, ऑर्डरली अरेंजमेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या है? यानी अगर सारे पावर्स को किसी एक आदमी की ऑथोरिटी में जोड़ दिया जाए, सिर्फ सारे पावर एक आदमी के हैंड्स में आ जाए, तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जहां पर जो उसका कमांडर होता है उसके साथ हाथों में पूरे पावर होते हैं, और वो जो भी ऑर्डर करता है उसके फॉलोअर्स उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन सभी जगह के लिए अच्छा है ऐसा नहीं है। फिर दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में ठीक उल्टा, यानी पावर को स्प्रेड कर दिया गया, कई लोगों के हाथों में बांट दिया गया। फेवर ने कहा कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर हार्मफुल। सो इट विल द बैलेंसिंग बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ ऐसे जो कोर डिसीजन है उनके लिए सेंट्रलाइजेशन का यूज करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं है उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना चाहिए। यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या है? मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ाया था तो उसमें डायरेक्टिंग का डेफिनेशन दिया था कि डायरेक्शन वो है जिसके निर्देशन में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शन करता है। जैसे फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशन में पूरी फिल्म बनती है, और सारा कुछ डायरेक्शन के निर्देश डायरेक्टर के ही निर्देशन में होता है। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, यानी जो मेन प्लान है उसके लिए वन हेड होना चाहिए। मीन्स इसको हम लोग कहते हैं वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान। अगर हम प्लानिंग अलग अलग लोगों से करने लगे, अलग अलग लोग एक ही वह काम के लिए प्लानिंग करने लगे, तो निश्चित रूप से वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए डायरेक्शन में भी यूनिटी होनी चाहिए, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है आदेश में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार डायरेक्शन में भी एकता होनी चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है 11th, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब आप सोचिए
एक इम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है किसके इंटरेस्ट के लिए, अपने लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एक इंप्लॉई जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो अपने लिए करता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है? तो ये बात सही है, आप भी यही सोच रहे होंगे ये दोनों के लिए करता है। हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इससे मेरा भी हित हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी हित हो रहा है। लेकिन अगर कभी स्थिति ऐसी आए कि जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है जिसको कहा गया जनरल इंटरेस्ट, तो अगर हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से क्लैश कर जाए, क्लैश कर जाएगा मतलब अगर हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखते हैं तो जनरल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन का बुरा होने वाला है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को देखते हैं तो हो सकता है कि मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से हानि होने वाली है। तो फेवल ने कहा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो फेवल ने स्पष्ट कहा कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबॉर्डिनेशन का मीन सैक्रिफाइस, यू सैक्रिफाइस योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन जनरल इंटरेस्ट, अपने हित का स्वार्थ, अपना स्वार्थ को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट जिसमें समाज की भलाई हो, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भलाई हो, वो काम करना चाहिए। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आपका कभी ना कभी आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा होते रहेगा, लेकिन अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल नुकसान भी आपका होगा। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। ये बहुत फैमिलियर वर्ड है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इस फेवल के प्रिंसिपल में डिसिप्लिन का सेंस सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन मीन्स फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम विच इज लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाया है उनको पूरी तरह से फॉलो अप करना डिसिप्लिन है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार सारे इंप्लॉई अगर ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई परेशानी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और सारे वर्क बहुत स्मूथली हो जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन है। 13 है इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव क्या है? जैसे हम लोग इनिशिएटिव का हिंदी कहते हैं पहलपन, किसी चीज को स्टार्ट करने की। तो फर्क यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होते हैं उसमें टॉप लेवल का प्लानिंग होता है। टॉप लेवल ये बताते हैं कौन सा काम कैसे करना है, लेकिन करने वाले कौन होते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जब इस काम को करते हैं तो काम करने के दौरान उनको कहीं ऐसा लगता है कि जो टॉप लेवल का आदेश है उसको अगर हम ना फॉलो करते हुए किसी दूसरे तरीके से काम को करें तो ज्यादा सुविधा हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए उस लोअर लेवल मैनेजमेंट को फ्री करना चाहिए कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए अलग से इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो यू आर फ्री फ्रॉम दिस। एंड 14th है स्पीडी कॉर्प्स। वैसे इसको उच्चारण इसका लिखा अलग है, स्पीडी कॉर्प्स, लेकिन इसको लैटिन भाषा है, लैटिन में यूज है किया गया है और इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं स्पीडी कॉर्प्स। इसका मीनिंग होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज हम जानते हैं कि किस प्रकार यूनिटी से हम बहुत बड़े चीज भी जीत सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय के बीच में एक यूनिटी है, एक दूसरे का वो साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार 14 प्रिंसिपल्स आपने एक्सप्लेन किया, हमने एक्सप्लेन किया, और आप बहुत कुछ हद तक समझ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये 14 प्रिंसिपल्स आप के पास बुक है तो आप उसको बुक से भी एक बार पढ़ लें, और ये 14 प्रिंसिपल कैसे याद रखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इस 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने का भी मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, तो उसको आप देखिए और इस 14 प्रिंसिपल को याद भी करने हैं और इसको इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझने हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं और इनके सभी फर्स्ट लेटर को आप देखिए। अब फर्स्ट, सभी फर्स्ट लेटर को मैंने जब यूज किया है तो एक एब्रिविएशन बना है DPS, यूज फोकस डाई, बस ये एक एब्रिविएशन है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। और
डी से, जैसे डी से डिवीजन ऑफ वर्क, पी से पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से स्केलर चेन, इसी प्रकार हर एक वर्ड से एक एक प्रिंसिपल बना है और इसको आपको याद रखने में ये सुविधा होगी। तो आज का वीडियो यहाँ तक है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर आपको अकाउंट्स का भी वीडियो आज मिल सकता है, एक दूसरा वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। अकाउंट्स में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए, और बिजनेस स्टडीज़ को बुक से, जो भी बुक आपके पास है उससे, इसको सेकंड चैप्टर में है, एक बार आप इसको स्टडी करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।